सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। सो गाइस, इस वीडियो में जानेंगे कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है और उसके कौन कौन से साइन और सिम्टम होते हैं, और आप कैसे जानोगे कि आपको जो ब्लीडिंग हो रही है वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या फिर ये आपके नॉर्मल पीरियड्स हैं। तो वेलकम बैक गाइस टू पासी चैम चैलेंज, और बिना किसी डिले के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को ही समझ लेते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है। तो जब आपकी ओवरी एक अंडे को रिलीज़ करती है, ये अंडा फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म का वेट करता है। अगर वहाँ पर स्पर्म आता है और उस अंडे को फर्टिलाइज कर देता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, फिर अंडे का डिवीज़न होता है, ये दो भागों में चार भागों में डिवाइड होता है, फिर ये आगे प्रोसेस होती है प्रेगनेंसी, और फिर ये जो फर्टिलाइज एग है ये यूट्रस में इम्प्लांट होता है। जब ये यूट्रस में इम्प्लांट होता है तो ये कुछ टिश्यूज़ के अंदर अपनी जगह बनाता है, और जो टिश्यूज़ जो सेल वहाँ पर होते हैं वो साइड में हटते हैं, और वहाँ पर ये जब यूट्रस से बाहर आते हैं तो ये ब्लीडिंग के रूप में आपको दिखाई देता है। सेम ऐसा ही प्रोसीजर होता है जैसा जब कोई अंकुरित बीज आप ज़मीन के अंदर मिट्टी के अंदर बोते हो, तो क्या करते हो कि ज़मीन में पहले गड्ढा खोदते हो, फिर जो अंकुरित बीज होता है उसको आप बोते हो। तो जो मिट्टी आपने निकाली है खोदकर, वही जो मिट्टी है वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आप समझ सकते हो। तो नॉर्मल है कि जब कोई फर्टिलाइज एग यूट्रस में इम्प्लांट होगा तो आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगी। अब बात करते हैं कि इसके कौन कौन से साइन और सिम्टम होते हैं। तो गाइस देखिए, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जब होती है तो आपको हल्की क्रैम्पिंग और लाइट स्पॉट देखने को मिल सकता है। अब इसकी पहचान क्या होती है, देखिए इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है ना, ये हल्की पिंकिश कलर की ब्लीडिंग होती है, पिंक कलर की ब्लीडिंग होगी, और इसमें आपको कुछ ब्लड क्लॉट भी देखने को मिल सकता है। और ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है ये आपको बिफोर पीरियड्स होती है, ठीक है, जो आपके पीरियड की एक्सपेक्टेड डेट है उससे पहले ही आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो जाती है। सपोज करें कि अगर आपका पीरियड साइकिल 28 दिन का है तो फिर 14th डे पर आपको ओवुलेशन होगा, और फिर जो ओवुलेशन है उसके एग्जैक्ट 7 से 12 दिन के अराउंड आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, और ये आपको यूजली आपके पीरियड साइकिल के डेट के मिस होने के अराउंड ही देखने को मिलती है। और इसी कन्फ्यूज़न के कारण कई लोग इसे अपना पीरियड भी मान लेते हैं, क्योंकि ये आपके पीरियड साइकिल के नियरली अबाउट होती है, लेकिन इसको पहचानना भी बहुत आसान है। इसमें जो आपको ब्लीडिंग है वो आपको हल्की पिंकिश कलर की दिखेगी, और इसमें हल्की क्रैम्पिंग महसूस होती है, फ्लो रेट बहुत ही कम होता है पीरियड साइकिल के कंपैरिजन में। इसमें जो फ्लो रेट है वो ना के बराबर है, इसमें आपको पैड लेने की भी ज़रूरत महसूस नहीं होती है, और ये 1 से 2 दिन तक ही परसिस्ट करती है, जिससे आप इजीली जान सकते हो कि जो आपको ब्लीडिंग हुई है वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या फिर आपके पीरियड्स हैं। अब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या फिर पीरियड्स हैं उसको कैसे जानेंगे, तो गाइस देखिए, जब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगी तो उसके 2 या 3 दिन बाद अगर आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे तो वो आपको पॉजिटिव मिलेगा, मतलब कि उसमें आपको फेंट पिंक लाइन देखने को मिलेगी, या फिर आप बीटा एससीजी हार्मोन टेस्ट भी करा सकती हैं वाया ब्लड, जिसे सीरम बीटा एससीजी हार्मोन टेस्ट बोलते हैं, और ये आप किसी भी लेबोरेटरी में करा सकते हैं। इससे 100% कंफर्म हो जाएगा कि आपने कंसीव किया है कि नहीं किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो गाइज, मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी। Thank you.